हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग मैं 3 वीक बाद बना रही हूँ। 3 वीक से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे दांतों का रूट कनाल होने वाला था, और जिसका रूट कनाल हुआ होगा उसको पता है कि कितना टाइम लगता है रूट कनाल में। तो फाइनली 3 वीक बाद अब सब कुछ ठीक हो गया। तो अभी हमने रिसेंटली एक इंस्टा पे न्यू एक रेस्टोरेंट देखा जो कि बहुत सुंदर है। इंस्टाग्राम पे हमने जस्ट ऐसे पोस्ट देखा था तो सोचा क्यों ना वहाँ जाएं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी जा रहे हैं डायरेक्ट उस रेस्टोरेंट में। तो वहीं से चलते हैं और लोकेशन सब आपको वहीं जा के बताएंगे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करें। तो फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच गए। भाई साहब 1.5 घंटे लगे हैं हमको वहाँ से यहाँ आने में, और हम लोग अभी हैं गोल पार्क में। आपको अगर पता होगा साउथ, जो कि साउथ में है, अगर आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स देखने हैं तो आपको यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ रेस्टोरेंट मिल जाएगी जो कि काफ़ी सुंदर है, और यहाँ पे बहुत टेस्टी फूड मिल। अभी हम लोग आए हैं युवान में, आप देख सकते हो ये है यहाँ ये रेस्टोरेंट। तो चलिए जल्दी से एंटर करते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा। तो अभी हम आके यहाँ पे बैठ गए हैं और इंस्टाग्राम में जैसा देखा था ये उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मैं एक बार इसका पूरा व्यू दे देती हूँ आपको। यहाँ का जो बेसिकली थीम है ये युहान के ऊपर है। अगर कोई गया होगा वहाँ तो उसको यहाँ का आइडिया होगा कि वो कैसा दिखता है, उसी के बेस पे ही बनाया है। एंबियंस बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर आते ही आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे तो अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए थे हम क्या ऑर्डर करें, बट फाइनली हमने डिसाइड करके एक यहाँ पर काफ़ी अच्छा वो सजेस्ट भी कर रहे थे कि हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। चाइनीज़ का हमें उतना आइडिया नहीं था, बट यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सजेस्ट किया कि आप क्या ही ले सकते हैं। तो वही ऑर्डर कर दिया है, बात है तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या ऑर्डर किया है और फिर देखते हैं यहाँ पे खाना कैसा है। तो ये रहा यहाँ का मेन्यू, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है चाइनीज़ में। अगर आप चाइनीज़ कुछ खाना चाहते हो तो ये बेस्ट जगह है एक्सप्लोर करने की। यहाँ पर आपको जो प्राइजेस है वो नॉर्मल से थोड़े से ज़्यादा है, बट आपको ऑप्शन बहुत मिल जाएंगे। फाइनली इतने दिन बाद मैं कहीं बाहर का खाना खाऊंगी, इतने दिन से तो घर का ही खाना खा रही। तो अभी हमने एक बहुत अच्छा रील्स बना लिया। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो करिए, मैं हमेशा वहाँ पे रील्स डालती रहती हूँ और स्टोरीज डालती रहती हूँ। तो जाइए हम लोग जल्दी से फ़ोटो शूटोज ले लेते हैं, उसके बाद खाना आएगा तो आपको दिखा। तो हमने ऑर्डर किया था कैंटोनीज नूडल्स, आप क्वान्टिटी देख सकते हो काफ़ी क्वान्टिटी में। अलावा किया था ये डेविल्स चिकन और ये मिक्स राइस, इसको खाते और देखते हैं कैसा। पहले हम ट्राई करते हैं नूडल्स एंड डेविल चिकन, देखते कैसे। नूडल्स और चिकन का कॉम्बिनेशन सच में बहुत टेस्टी है। नूडल्स थोड़ा ये लाइट है, स्पाइसी नहीं है, और चिकन स्पाइसी है, इन दोनों का मिक्स बहुत टेस्टी। अब हमारा राइस बच गया जो इसके ऊपर आप देख सकते हो ऑमलेट दिया, जो कि काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन इन्होंने किया है। तो यहाँ का खाना तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे क्वांटिटी भी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी खाना है। तो अभी आप जल्दी जल्दी इसको खा लें। नूडल्स बहुत ज़्यादा है और हमने राइस एक्स्ट्रा में मंगा लिया तो शायद ही इसे खा पाएंगे। खाना हो गया है, हमसे सच में खाया नहीं गया, हमें आखिर इसको पैक करवाना ही पड़ा। इसे पैक करवा लिया, घर जाके खाएंगे। तो इसके अलावा आप यहाँ पे पार्टीज कर सकते हो, गेट टुगेदर कर सकते हो। यहाँ पे अंकल ने बताया कि ये लोग पर प्लेट का कुछ सिस्टम है और यहाँ पे 900 पर प्लेट करके एक पर्सन का यहाँ पे पार्टीज कर सकते हो आप। यहाँ पे बुकिंग चार्जेस अभी ये नहीं ले रहे, तो अगर आपको बर्थडेज करना है, सेलिब्रेशन करना है, ये पूरा एरिया ये लोग खाली कर देते हैं और आप यहाँ पे सेलिब्रेशन कर सकते हो। तो वो यहाँ की बहुत अच्छी बात है, और क्वांटिटी काफ़ी सारा आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसका मैं कार्ड आपको दिखा देती हूँ अभी, ताकि आप अगर आपको यहाँ पर बुकिंग करना तो आप यहाँ से बात करके एक दिन या दो दिन पहले आपको बात करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। तो ये सारा मेन्यू में आप यहाँ पे अगर पार्टीज़ करोगे तो पर प्लेट में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो अगर आप इनको कॉन्टैक्ट कर दे सकते हो एक दो दिन पहले और ये आपको सारा चीज़ बता देंगे। ये रहा हमारा बिल, हमने 3 चीज़ें ऑर्डर की थी और उसका हुआ है 888।
तो अभी हम लोग निकल गए वहाँ से। वहाँ का सर्विसिंग बहुत अच्छा था और वहाँ के जो अंकल थे वो बहुत स्वीट थे। मतलब उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन बताया, जो सच में फूड बताया वो सच में बहुत टेस्टी था। वैसे अच्छा भी लगता है क्योंकि आप जब वीडियोस करते हो तो यहाँ पे बहुत अजीब से लोग रिएक्ट करते हैं। मुझे गड़ियाहाट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सुंदर है, काफ़ी खाली खाली रहता है और काफ़ी सुंदर यहाँ पे हर एटमोसफियर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आपको रेस्टोरेंट जाना है तो ये बेस्ट जगह है, आपको यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। लोकेशन मैं आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बहुत दिन से हमारा ब्लॉग नहीं बना है, ट्राई करेंगे वीक में 2 से 3 ब्लॉग बनाने का क्योंकि बहुत 3 वीक से हम नहीं बना रहे, तो इसीलिए अब ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग हम डाल पाएँ। और अगर आपको ये सब ब्लॉग अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट ब्लॉग।